हेलो एवरीवन, मैं बसंत साहू फ्रॉम भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्या पढ़े थे और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सामान्य वितरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात क्या होती है, जो निरंतर संभावना वितरण होती है वो सामान्य वितरण कहलाती है। मतलब जो कंटिन्यूस आपको प्रोबेबिलिटी होती है, इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एरर लॉ और नॉर्मल लॉ और लाप्लासियन लॉ और गैसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थात इससे क्या करते हैं हम लोग, इसे त्रुटि कानून या सामान्य कानून या लाप्लासियन कानून या गैसियन वितरण के रूप में भी जाना जाता है। इसको सामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, कई नमूना वितरण जैसे छात्र टी या टी टेस्ट जिसको बोलते हैं, इसी प्रकार से एफ टी या काई डिस्ट्रीब्यूशन जिसको, काई स्क्वायर टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो इस टाइप का जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आगे इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इफ द डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी लॉ। अर्थात क्या होता है, एक सतत रैंडमली जो वेरिएबल होता है एक्स, इसको पैरामीटर ए लेते हैं, इसका जो पैरामीटर है उसको ए लेते हैं, सॉरी इसको पैरामीटर क्या है म्यू, ठीक है, एंड सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका जो डेंसिटी है वो क्या होता है, डेंसिटी की जो फंक्शन है उसको हम लोग संभावना कानून जैसे हम लोग निकालना चाहें, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है 1/σ इंटू रूट 2π इंटू ई। ओके, डी पावर क्या होगा यहाँ पर, -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वेयर। ठीक है, वेयर यहाँ पर क्या होगा, एक्स इज लेस देन माइनस इन्फिनिटिव इज ग्रेटर देन इन्फिनिटिव। ठीक है, मतलब ये जो एक्स होता है वो इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव के बीच रहता है। इसी प्रकार से जो म्यू होता है वो इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव के अंतर्गत होता है, लेकिन जो सिग्मा होता है इसका जो डेंसिटी होती है वो हमेशा जीरो से बड़ा ही रहता है। ठीक है, कुछ यहाँ पर पॉइंट है नोट करने लायक, जैसे कि द मीन एम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस आर कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सप्रेस बाई एक्स रेशियो एन, यहाँ पर एम कॉमा एस स्क्वायर होता है, अर्थात इसका क्या है, औसत मानक विचलन। ठीक है, औसत मानक विचलन का मतलब क्या होता है, सामान्य वितरण के मापदंडों को कहा जाता है। ठीक है, अर्थात सामान्य वितरण क्या होता है, एक्स इक्वल टू या सॉरी एक्स रेस टू एन। ठीक है, तो सामान्य वितरण की स्थिति में हम इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ और कंडीशन है, कंडीशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखेंगे यहाँ पर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। मतलब सामान्य वितरण क्या होता है, निम्नलिखित शर्तों के तहत बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सीमित क्या होती है, एक रूप होती है, जैसे कि एन परीक्षणों की संख्या क्या होती है, एक अनिश्चित रूप से बड़ी होती है। ओके, यानी कि एन द नंबर ऑफ ट्रायल इज इनडेफिनेटली लार्ज। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, नाइदर पी नॉर क्यू इज वेरी स्मॉल, अर्थात ना तो पी और ना ही क्यू बहुत छोटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सामान्य वितरण यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पैरामीटर क्या है, एम है, उसकी पैरामीटर क्या है यहाँ पर, एम है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन एज
और लिमिटिंग फॉर्म ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर एम। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और मीन इक्वल टू एम एंड वेरिएशन इक्वल टू एस स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू एस। मतलब जो सामान्य वितरण होता है उसकी स्थिरांक होता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्थिरांक होता है जिसको कांस्टेंट कहते हैं, उसको एम से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से उसका जो भिन्नता है, उसका जो वेरिएशन है, उसको एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। और जो मानक वितरण रहता है, सॉरी मानक विचलन जो रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।